तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू क्रेजी फॉर कॉमिक्स और स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में जहां मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं शैडो टाइगर की सीरीज का पार्ट 3। तो इस सीरीज के दो पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर रिलीज हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही ऊपर आई बटन पर भी आ जाएगा। और एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कॉमिक शुरू होती है जहां क्वांटम राजन को अपने पास्ट के बारे में बताता है। वो बताता है कि कैसे वो एक इंसान से सर्वर में तब्दील हो गया। वो कहता है कि जैसा वो अब दिख रहा है ऐसा वो पहले नहीं था। आग में मरने के बाद उसका इस रूप में पुनर्जन्म हुआ है। मिस्टर मुकेश देसाई ने उसे कैम्ब्रिज में एक प्रोफेसर के पद से दूर रखकर अपने द्वारा प्राप्त किए किसी एक चीज की प्रॉपर्टीज पता लगाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज दिए थे और वो चीज थी एक पत्थर जो हीरे की तुलना में बहुत कठिन था, जिसमें एक अनदेखी किस्म की रेडिएशंस थी और उसे जिस पत्थर की ताकत मिली है वो उसके और उस जैसे अन्य लोगों द्वारा भुगतान की कीमत पर मिली है। वो आगे बताते हुए कहता है कि वो सभी एनालिस्ट जो एक पत्थर पर काम कर रहे थे वो अंधेरे में खेल रहे बच्चे की तरह थे, जिन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किन ताकतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो ताकतें अनगिनत खतरे की ताकतें थी और उसी खिलवाड़ के चक्कर में उसकी टीम के अन्य लोग एक दिन मर गए, पलक झपकते ही भाप बन गए उसकी रेडिएशंस की वजह से, लेकिन वो बच गया जिसे कुछ लोग चमत्कार कहते हैं। अब वो अपने इस आधे जीवित शरीर को देखकर एक ही बात कहता है कि ये एक अभिशाप है, उस पत्थर ने उसे यह बनने के लिए बख्शा है। फिर वो राजन को बताता है कि उस पत्थर का श्राप अब एक आशीर्वाद में बदल गया है, इस पत्थर में अब बहुत सी शक्तियां आ गई हैं। वो कहता है कि उसने शैडो टाइगर का सूट भी कुछ ऐसे ही डिजाइन किया है कि उसको इस पत्थर की विनाशकारी प्रभाव से बचाया जा सके और उसे उस पत्थर की पूरी शक्तियां इस्तेमाल करने की अनुमति वो सूट देता है और राजन उसका धन्यवाद करता है और कहता है ये पत्थर भी 12 में से एक है। और नाक को रोक कर उसने एक पत्थर तो पहले ही तबाह कर दिया, पर अभी बाहर कहीं दुनिया में इस जैसे और भी पत्थर मौजूद हो सकते हैं और क्वांटम उसे बताता है उनकी उत्पत्ति अतीत में खो गई है और जियोमेंसर द्वारा बताई गई कार्बन डेटिंग के अनुसार वे सभी पत्थर एक ही अवधि से बिलोंग करते हैं। जब कभी पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी होती है तो उसे संकेत मिलते हैं कि अन्य पत्थर कहाँ पाए जा सकते हैं या एक बार को वो कहाँ हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कई पत्थर पहले से ही किसी दुष्ट मनुष्य के हाथ में हो जो नाग से भी अधिक दुष्ट हो और उससे भी अधिक बुरा करने की मंशा रखते हो। और राजन कहता है अब वो एज शैडो टाइगर के रूप में तैयार है, वो उन सब को रोकेगा। इसके बाद हमें पीछे पार्ट के अंत में छोड़ा गया क्लब का सीन वापस दिखाया जाता है जहां सडांगी के पास कतार अपने बंदों के साथ पहुंच गया था और शैडो टाइगर के बारे में पूछ रहा था। अब वहां सडांगी उन सब पर गोलियां चला देता है ये कहते हुए कि उसी के घर में उसी को धमकाने वाले वो होते कौन है, पर कतार पत्थर की शक्तियां यूज करके सभी बुलेट्स को हवा में रोक लेता है और सबकी गन्स भी अपने कब्जे में कर लेता है और सडांगी को कहता है वो उसे धमकी नहीं दे रहा, वो तो बस उसे सच्चाई दिखा रहा है जो उन दोनों के काम आएगी। पावर्स होने के बावजूद भी वो एक लालची आदमी नहीं है, वो अपनी पावर्स दूसरों के साथ बांटना चाहता है। और फिर सडांगी को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो कतार है और बाकी दोनों उसके साथी किलक्लो और रेज बॉर्न है और वो काफी दूर से आए हैं इसलिए बहुत थक गए हैं, तो क्या वो उन्हें अपने घर में अतिथियों जैसा आदर सत्कार दे सकता है, और सडांगी डरते हुए मान जाता है। फिर कतार वापस से शैडो टाइगर के बारे में पूछता है, जिस पर वही आदमी जिसने शैडो टाइगर को देखा था वो कतार को बताता है कि शैडो टाइगर पुलिस से भी ज़्यादा खतरनाक है, वो एक 8 फुट लंबा राक्षस है जिसकी आंखों में आग है जो जानवर की तरह लड़ता है और आज रात उसी ने मिस दयाल को मरने से बचाया है। इन सब के बाद कतार सडांगी से मिस दयाल के बारे में पूछता है और सडांगी उसे बताता है कि मिस दयाल एक लॉयर है
जो कि उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और शैडो टाइगर उसी को बचा रहा है। अब कतार समझ जाता है कि अगर शैडो टाइगर को बाहर निकालना है तो उसे मिस दयाल को चारा बनाना ही पड़ेगा। इसके बाद हमें नताशा दयाल दिखाई जाती है जो घनघोर बारिश में कहीं जा रही थी, और तभी वहाँ राजन उसे लिफ्ट देने आ जाता है। और फिर वो दोनों एक कैफे में जाते हैं जहाँ चाय साय पीते पीते कुछ बातें करते हैं, जहाँ राजन मिस दयाल से कहता है कि तुम मुझे ही ढूंढ रही थी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही तुम्हारे सामने आ जाऊँ, जिससे तुम्हें ज़्यादा तकलीफ भी ना उठानी पड़े। और नताशा उससे कहती है अब वो राहत की सांस ले सकते क्योंकि अब उसके पीछे वो नहीं लगने वाली है। उसके बॉस ने उसे मामूली चोरों को पकड़ने का एक नया काम सौंप दिया है। राजन कहता है हाँ सही है, वैसे भी ऐसे वैसे छोटे क्रिमिनल्स आए दिन मिलते ही रहते हैं। और इसी बात पर नताशा उससे कहती है कि एक दिन वो उसका और देसाई का सच जरूर दुनिया के सामने लाएगी, चाहे वो कितना भी छुपा ले। फिर राजन उसे वापस घर छोड़ देता है। अब राजन देसाई कॉरपोरेशन से वापस आ जाता है, जहां मिस लाइम उसे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ब्रेक करते हुए कहती है कि क्वांटम को अभी अभी दिल्ली में सेम वैसे ही सिग्नेचर रीडिंग्स मिले हैं जैसे उसे हटी में खदान वाले अभियान की घटना में पता चले थे। पर राजन कुछ और ही सोच रहा था, वो इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। वो बस ये सोच रहा था कि कैसे एक लाचार दिमाग एक मशीन में फंसा पड़ा है। इन सब के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रेन पर नताशा और उसके साथी विक सडांगी को पकड़ने के चक्कर में एक जाल बिछाए बैठे थे। उन्होंने सडांगी के फोन पर एक वायर टैप लगाया था जिसकी मदद से उन्हें यह पता चला था कि आज सडांगी जहां जा रहा है वहां ड्रग्स की डील करने वाला है। और अचानक उन्हें माइक पर कुछ सुनाई देता है। उन्हें सडांगी के गन्स की कैरेट्स को खरीदने का प्लान सुनाई देता है, जिसे सुनकर विक चौंक जाता है और नताशा को बताता है कि वो लोग तो उसकी बेटी के स्कूल प्लान से भी ज़्यादा कुछ भयानक प्लान कर रहे हैं। और तब तक नताशा को समझ आ जाता है कि ये सब एक ट्रैप था, पर जब तक उसे ये पता लगता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, और दोस्तों वह आ जाता है कतार का साथी रेज बॉर्न, जिसने उस ट्रेन के डब्बे को जिसमें नताशा मौजूद थी उसको ट्रेन से अलग कर दिया था। और फिर उस डब्बे को कतार अपने कंट्रोल में लेकर आनंद विहार स्टेशन ले आता है, जहां उस डब्बे में अब आग लग चुकी थी और स्टेशन पर मौजूद सभी लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगे थे। इसके बाद कतार उस डब्बे में से नताशा को बाहर निकालते हुए कहता है चलो हम दोनों साथ मिलकर हमारे दोस्त का इंतजार करते हैं। पर नताशा समझ नहीं पाती कि वो किस दोस्त की बात कर रहा है, जिस पर कतार उसे बताता है हमारा दोस्त शैडो टाइगर और कौन। ये पूरी घटना अब तक न्यूज चैनल पर भी आ चुकी थी, जिसे राजन देख लेता है और आक्रोश में निकल पड़ता है नताशा को बचाने। पर मिस लाइम उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे कहती है कि हड़बड़ी में वो कोई फैसला ना ले, जरा सोच ले कि वहाँ बहुत से लोग और कैमरा होंगे और वो उसे पहचान सकते हैं, ये सब वो पुलिस पर भी छोड़ सकता है, वो सब देख लेंगे। पर राजन मिस लाइम से कहता है कि इन सब खतरों के बारे में उसे क्वांटम ने पहले से ही आगाह किया था, और पुलिस अभी इन जैसे खतरों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो ये सब सिर्फ नताशा के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि उसे पता है कि अब पूरा शहर खतरे में है और उसे कुछ करना ही पड़ेगा। जिसके बाद शैडो टाइगर अपनी बाइक लेकर घटना स्थल की ओर निकल पड़ता है, और वहीं उसके निकलने का इंतजार कर रहे थे कतार के साथी किल क्लो और रेज बॉर्न, ताकि वो अपनी मंजिल देसाई कॉरपोरेशन में घुस सके जहां उनका इनाम उनका इंतजार कर रहा था। अब शैडो टाइगर पहुंच गया था नताशा दयाल को बचाने, पर उसके वहां आते ही कतार उसका स्वागत एक हमले से करता है, और फिर दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। और कतार शैडो टाइगर से कहता है स्वागत है मेरा भाई, आखिर हम दोनों मिल ही गए, जिसे सुन के शैडो टाइगर को कुछ समझ नहीं आता। पर कतार उसे बताता है कि वो पत्थर जो उन दोनों के पास है वही उन दोनों को भाई बनाता है, उसी पत्थर ने उन दोनों को एक साथ जोड़ा हुआ है, और उसी पत्थर की वजह से वो दोनों आने वाले भविष्य का एक हिस्सा बनने वाले हैं। फिर शैडो टाइगर समझ जाता है कि कतार ही वो आदमी था जिसने हटी के उस खदान में लोगों को मारा था, और कतार उससे कहता है देखा उसके बिना बताए कतार के बारे में उसे सब कुछ मालूम है, इसका मतलब उन दोनों के बीच जरूर कुछ तो लिंक है और उन्हें इस तरह लड़ना नहीं चाहिए बल्कि एक साथ मिलकर इस दुनिया पर राज करना चाहिए। पर शैडो टाइगर उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो उस जैसे हत्यारे के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएगा। पर कतार उसे समझाता है कि वो दोनों मिलकर उनके मास्टर की सहायता से इस पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, लेकिन शैडो टाइगर को नहीं पता था कि उनका मास्टर कौन था, इसलिए वो कतार से पूछने की कोशिश करता है, और कतार शैडो टाइगर से कहता है अच्छा
तो मास्टर ने अभी तक उसे दर्शन नहीं दिए। और आगे अपने मास्टर के बारे में बताते हुए कहता है कि उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जिसका तो वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। उसने एक ऐसी ताकत को ललकारा है जिसे उसका युवा दिमाग कभी समझ ही नहीं सकता। वो या तो उनके साथ जुड़ जाए या तो मर जाए। उसे जो पत्थर मिला है ना, वो एक आशीर्वाद है जिसकी उसे बिल्कुल कदर नहीं है। इसलिए अब वो उससे उसका ये गिफ्ट वापस लेगा और किसी सही उम्मीदवार को देगा। अब तक ये पत्थर उसकी परीक्षा ले रहा था और वो इसमें नाकाम रहा। वो कहता है कि जब तुम भगवान बन सकते हो तो हीरो क्यों बन रहे हो? और तभी उन दोनों की फाइट में शैडो टाइगर की मदद के लिए नताशा सामने पड़ी ट्रॉली पर से रखी ब्रीफकेस कतार को दे मारती है और कतार उस पर रिटर्न हमला करता है, जिसे देख शैडो टाइगर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कतार का गला पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि उसका और उसके मास्टर का कोई उज्जवल भविष्य नहीं होगा और अगर नताशा को कुछ भी हुआ फिर तो उनका भविष्य ही नहीं रहेगा। और वहीं दूसरी ओर देसाई कॉरपोरेशन में किलक्लो और रेजबॉन घुस जाते हैं। तब कतार हंसते हुए शैडो टाइगर से कहता है, तुझे क्या लगा था हटी से मैं सिर्फ एक पत्थर लाया? नहीं, मैं अपने साथ ऐसे लोग लाया हूँ जो उस पत्थर के असली खजाने को जानते हैं। हम सब न्यू दिल्ली एक मकसद से आए हैं, अपने गुरु की सेवा करने। अब सूरज एक नए युग में उदय होगा, भले ही वो इसे देखने के लिए जीवित ना हो। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे और जाने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। तो मैं मिलूंगा आपसे इस सीरीज के नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में। तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।